राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अदाकारा और टेलीविज़न सीरीज़ सुरभि की को होस्ट रेणुका शहाणे। रेणुका शहाणे जानी मानी अभिनेत्री और अपने जमाने की मशहूर टेलीविजन होस्ट। अरे अगर वो नीचे नहीं आ रही है तो चल हम उसके पास चलते हैं। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन से रेणुका शहाणे फिल्म प्रेमियों के दिलों में ऐसी बसी कि आज भी उनकी याद एक गुदगुदी पैदा करती है। रेणुका शहाणे का जन्म 7 अक्टूबर 1966 को महाराष्ट्र में हुआ। अभिनय के बजाय निर्देशन की तमन्ना रखने वाली रेणुका शहाणे को मशहूर धारावाहिक सर्कस में काम करने का मौका फिल्मकार अमोल गुप्ते के जरिए मिला। हमें गर्व है कि सुरभि में हमें ऐसे कई कलाकारों को पेश करने का मौका मिला जिन्हें बाद में अच्छी खासी मान्यता मिली। सर्कस के बाद 1990 में रेणुका के जीवन में जो खूबसूरत मोड़ आया वो था दूरदर्शन का शो सुरभि। टीम डायरेक्टर सुहेल तातारी, यंग एंड टैलेंटेड अब्दुल, जिसमें तकरीबन 10 साल उन्होंने सिद्धार्थ काक के साथ प्रोग्राम की मेजबानी की। शो की पॉपुलैरिटी सर चढ़कर बोली और धीरे धीरे उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। अब्दुल रहमान, अपनी खास मुस्कान और चुलबुले अंदाज के साथ रेणुका शहाणे टेलीविजन के साथ साथ फिल्मों में भी लगातार सक्रिय रहीं। दफा हो जा, निकल जा यहाँ से, कहीं और जाके मर, चल हट। अपनी गंदगी साथ लेके जा। मैं बोल रही हूँ ना, क्या कर रहा है तू? ए मेरी बेटी को हाथ पता लगा सारे काट के लोग दुखी में। तेरी हड्डियाँ ना तोड़ी तू मेरा बेटी। क्या क्या हुआ? चल ये क्या बताएंगे? जितना पैसा निचोड़ना था इन सब ने मेरे से निचोड़ लिया, अब मेरी क्या जरूरत इन्हें? ये तो अभी भी सुंदर दिखती है, और भी पैसा कमा सकता है तू इससे। दिमाग खराब हो गया तेरा? इससे एड्स है, इसने सब अखबार वालों को बता दिया, अब यहाँ कोई ग्राहकी नहीं। तू ले क्यों नहीं जाता इन्हें? सब साले तेरी गलती है, अब मैं इसका पेट कैसे पालूंगी? तुम सब इन हरामियों को एड्स के बारे में बताते ही क्यों हो? तुम लोग के आने से पहले इन लोगों को एड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। हिंदी के साथ मराठी फिल्मों में भी रेणुका शहाणे ने अपने अभिनय की अनोखी छाप छोड़ी। फारस उत्तम है, असं बारीक चिरलेला अनियन आणि टोमॅटोज त्याच्यावरती टाकून असं ईशा मी नाही काही मी कुठली एवढी। तकरीबन 20 फिल्मों और दर्जन भर टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी रेणुका शहाणे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मुखर पक्षधर हैं और सोशल मीडिया समेत अनेक मंचों पर अपनी बेबाक अभिव्यक्ति के लिए भी जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेणुका। धन्यवाद। हमको बताइए कि ये जो टेलीविजन कल्चरल मैगजीन थी सुरभि एक जमाने में जो बहुत मशहूर हुई, उससे आपने अपना करियर एक तरह से कहिए शुरू किया। जी बिल्कुल। सुरभि में आने और सिद्धार्थ काक के साथ शुरू करने के पीछे की कहानी क्या है? देखिए मेरा चयन जिस प्रकार से सुरभि के लिए हुआ वो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है।
कि काफ़ी सारी अभिनेत्रियां थीं जिनको बताया गया कि सुरभि के ऑफिस से एक किसी को एंकर की ज़रूरत है। सिद्धार्थ जी तो तय थे, उन्होंने खुद कंसेप्चुलाइज किया था कार्यक्रम, तो हमने सोचा कि उस वक्त सर्कस नाम की सीरियल मैं सिर्फ शूट कर चुकी थी दूरदर्शन के लिए, और तब अजीज़ मिर्ज़ा जी ने मुझे बताया था कि आप में वो दम है, एक अच्छे अभिनेत्री आप में छिपी हुई हैं, तो आप व्यावसायिक रूप से आप अभिनेत्री का काम करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही ये खबर आई कि सिद्धार्थ जी इज़ लुकिंग आउट फॉर अ को एंकर, तो हमने कहा ठीक है, मैं ऑडिशन देने तैयार हूँ। और उस वक्त के ऑडिशंस बड़े अच्छे होते थे, माहौल अलग होता था, एकदम इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी सुरभि चूँकि भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, इसलिए उसके लिए उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर पे बहुत लंबी जानकारी मुझे अपने घर पे भेजी और कहा कि आप ये बाय हार्ट करके ऑडिशन दे दीजिए। तो इतना क्लिष्ट हिंदी मैंने कभी ना पढ़ा था, ना मैंने बाय हार्ट किया था, ना बोला था, पर फिर भी मैंने एक चैलेंज के तौर पे उस पूरा दो पन्ने थे या तीन पन्ने बाय हार्ट करके मैं गई। और मैंने ऑडिशन देते समय मैं दो लाइनें भूल करने के बाद भूल गई, और मैं हंसते हंसते मैंने कहा सॉरी सॉरी, मैं दोबारा शुरू करती हूँ। ऐसा कर करके तीन पन्ने मैंने फंबल कर करके और भूल भूल के और हंस हंस के मैंने कर दिए ऑडिशन के। अच्छा, बाकी सब ने बड़े स्ट्रिक्टली वो किया था, सब बहुत सीरियसली किया था, और मैं हंस हंस के कर रही थी। और इसी बात को गीता जी ने भाप लिया, सिद्धार्थ जी की जो पत्नी है गीता का, उनको वही बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि धीर गंभीर पर्सनालिटी है सिद्धार्थ जी की, तो उनके साथ ये हंसने वाली लड़की बड़ी अच्छी लगेगी, इसलिए मेरा चयन हुआ और हमारा वो सफ़र शुरू हुआ। और आपने जो जिक्र किया वो बिल्कुल सही है कि वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें कला और संस्कृति का एक मैगज़ीन जैसा हम बता रहे थे, और एक ऐसे अंदाज में कि जहाँ पर एडुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। अच्छा, अगर सुरभि की बात करें तो सुरभि में होस्ट करने के अलावा, क्योंकि तब तक टेलीविज़न इतना प्रोफेशनल और इतना कट टू कट, इतना प्रेशर भी नहीं था और इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हुआ करते थे, और इस तरह की एक कल्चरल मैगज़ीन एक नई तरह की मैगज़ीन थी, बिल्कुल, तो उसमें होस्ट करने के अलावा और क्या भूमिकाएं आपको निभानी पड़ती होंगी? क्या है कि उस वक्त तो मतलब हम हमारे काम के अलावा और 100 काम करते थे, जैसे म्यूज़िक जो है उसका लॉगिंग मैंने किया है, मैं असिस्टेंट भी रह चुकी हूँ, और इनफैक्ट सुरभि ने मुझे मौका दिया एक कहानी डायरेक्ट करने की। फिर जब हम परदेश में जाते थे तो बहुत सारा बड़ा यूनिट हम लेके नहीं जाते थे, तो उसमें जो ट्रांसलेशंस हुआ करती थी या कभी कभी हमारी खुद की स्क्रिप्ट मैं खुद लिखती थी, तो ये कई ऐसी चीज़ें मैंने की। और मुझे लगता है कि जो इन्वॉल्वमेंट हमारा उस कार्यक्रम में था वो सिर्फ एक प्रोफेशनल तौर पे नहीं था, हम एक लोगों से जिस प्रकार से जुड़ गए तो उसका एक अलग ही मज़ा था, आनंद था। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस दौर में थी जब सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस भी मिला, अलग तरह का अनुभव मिला। तो सर्कस आ चुका था लेकिन सुरभि की शुरुआत पहले हो गई। जी, सर्कस की शूटिंग हो चुकी थी, हालांकि उसका प्रक्षेपण शुरू नहीं हुआ था, और उस बीच में मुझे ये ऑफर आया तो सुरभि पहले शुरू हुआ, ऑन एयर आया, और उसके बाद सर्कस। लेकिन अगर ये देखें कि सर्कस तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या थी, मतलब सर्कस आपके हाथ आया कैसे, वो भी एक अलग ही कहानी है। मैं एमेटर थिएटर किया करती थी बम्बई में, मैंने सत्यदेव दुबे साहब के साथ थिएटर शुरू किया, उनके थिएटर यूनिट के साथ मैंने कई प्लेस किए थे हिंदी में, और फिर एक मराठी संस्था थी अंतरनाट्यक नाम की, जिनके साथ मैंने बहुत सारे मराठी प्लेस किए थे। तो उस समय चूँकि दूरदर्शन नया नया शुरू हुआ था, तो जो लोग थिएटर किया करते थे दिल्ली के या बम्बई के, उन्हीं को फिर सीरियल्स में लिया गया अभिनय करने के लिए। तो उसी में से एक, मतलब जब सर्कस के लिए लोगों का चयन हो रहा था, तो अमोल गुप्ते साहब जिन्होंने तारे ज़मीन पर लिखी है, स्टैनली का डिब्बा वगैरह, तो वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना था कि इस उम्र की मेरी जो माँ है शांता गोखले, वो बहुत बड़ी लेखिका हैं, तो सब उन्हें काफ़ी जानते हैं महाराष्ट्र में। तो अमोल गुप्ते ने सुना था कि शांता गोखले की बेटी हैं जो अभिनय करती हैं,
तो उन्होंने सुझाव रखा, अजीज मिर्ज़ा साहब को बताया कि आप उनका ऑडिशन लें। तो अजीज़ मिर्ज़ा साहब के यहाँ से हमें कॉल आया कि आप ऑफिस आकर ऑडिशन दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम गए क्योंकि हमें इंटरेस्ट था, काम तो करना था। वहाँ पर जिस किरदार के लिए मुझे मेरा चयन होना था, उस किरदार का स्क्रिप्ट नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने मरिया नाम का जो किरदार था, जो मुख्य किरदार था, जिसके लिए बहुत सारी अभिनेत्रियों को ऑडिशन किया गया था और चयन नहीं हुआ था अभी तक, उनके डायलॉग्स मुझे दिए गए कि वो नहीं है स्क्रिप्ट, लेकिन आप इनको पढ़ लीजिए, देखेंगे आप पढ़ती कैसा है। तो अजीज़ मिर्ज़ा साहब को वो पढ़ना इतना अच्छा लगा, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर का, तो उन्होंने कहा कि यही मेरी मरिया बनेगी। तो उस तरह से फिर मैंने वो किरदार निभाया मरिया नाम का। और शाहरुख खान साहब थे सर्कस में, तो उनके ऑपोजिट मेरा रोल था और बहुत मज़ा आया हमको साथ में काम करने, और दिलचस्प अनुभव रहा। आपने बताया कि आपकी माँ शांता गोखले जी, आपके पिता नेवल ऑफिसर थे, और आप लोग भाई बहन कितने हैं? मेरा एक भाई है जो मुझसे 2 साल छोटा है, और वो लेखक है, उन्होंने आर्ट क्यूरेशन भी करते हैं, तो और मैं हूँ। तो ये जो सुरभि है, ये तो मेरा ख्याल है कि करीब 9 साल चला होगा। 10 साल जी, 1990 से लेकर 2000 तक। तो इस 10 साल के पूरे अरसे में जब तक आप होस्ट करती रहीं, तो होस्ट करने के अलावा और क्या चीज़ें थीं जो आपको करनी पड़ती थी? थिएटर भी करती रही, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा समय कम मिलता था मुझे थिएटर करने के लिए, क्योंकि टेलीविज़न का मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शायद मतलब मैंने बहुत सारे फैमिली फंक्शंस भी मिस कर दिए थे उस ज़माने में, या दोस्तों के घर भी आना जाना मेरा कम हो गया था, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो सुरभि की लोकप्रियता की वजह से मुझे बहुत सारा काम मिलता रहा, और थिएटर में फिर मैं कम का समय दे पाई, लेकिन जुड़ाव तो रहा। मतलब अगर बैकस्टेज कहा जाए, या कभी भी मेरी जो नाट्य संस्थाएं हैं उनको ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर रहते थे, तो इस प्रकार चलता था। अब हम देखेंगे कि नाटक, टेलीविज़न और सिनेमा, ये आपके 3 प्राइमरी एंगेजमेंट्स थे। जी 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 बिल्कुल। तो तब तक आपको क्या लगने लग गया था कि यही अब आपके जीवन का भविष्य होगा, इसी से आप अपनी रोजी रोटी पैदा करेंगे? असल में हम आपके हैं कौन, मैं जब कर रही थी तब मैंने सोच रखा था कि मैं इस फिल्म के बाद FTII जाऊंगी और निर्देशन का कोर्स करूंगी, क्योंकि मेरा पैशन अगर आप पूछें तो निर्देशन था, और मुझे वो कंटिन्यू करना था। मुझे अभिनय मतलब मुझसे हो गया, या मैं लोकप्रिय हुई इसलिए होते गया, लेकिन अगर पैशन पूछा जाए या रुचि, एकदम अंदर से आत्मा से जो रुचि थी वो निर्देशन के प्रति थी, तो मुझे FTII जाना था। सूरज बरजातिया जो हमारे निर्देशक थे, उन्होंने कहा कि भाई वाह, हम तो मतलब मैंने प्यार किया कर चुके हैं, हम आपके हैं कौन कर रहे हैं, हमने थोड़ी कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया है उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि आप FTII जाके पूरा ये जो आपका दौर चल रहा है उसको रोक लगा के आप निर्देशन करो। आप जहाँ पर भी काम कर रही हैं अभिनेत्री के तौर पे, आप अपने आँख कान खुले रख के जो टेक्नीशियंस हैं उनसे बात करके बहुत कुछ सीख सकती हैं, और मेरा ये मानना है कि आपको एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक दूसरे गुरु मिले थे जिन्होंने एक अलग राह दिखाई, तो मैंने वो निर्णय चेंज किया, स्थगित किया, और फिर कंटिन्यू कर दिया एक्टिंग। और फिर निर्देशन का तब मेरे दिमाग में एक बार फिर विचार आया जब मेरी शादी हुई 2001 साल में, आशुतोष राणा जी के साथ मेरी शादी हुई, और फिर लगातार उसके बाद मेरे 2 बच्चे बहुत ही जल्दी हो गए। तो तब मैंने एक इच्छा अनुसार ब्रेक लिया था, और मैं चाहती थी कि पूरी तरह से मैं समर्पित हूँ परिवार के प्रति। और तब उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि जो तुम्हारा पैशन है वो अब करने का दौर है, क्योंकि तब मराठी सिनेमा में स्पेशली श्वास नाम की एक जो एक फिल्म आई थी, जिसके बाद में एक बहुत अच्छे किस्म के विषय और आशय के साथ सिनेमा आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपका वो जो पैशन है वो भी लोगों के सामने आए। तो मैंने फिर अपनी मम्मी का एक नॉवल था, रीटा वेलिंडकर नाम का, बहुत चर्चित नॉवल था, उसके ऊपर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा, और मैंने एक फिल्म निर्देशक की जिसका नाम है रीटा,
जिसमें पल्लवी जोशी और जैकी श्रॉफ थे, और वो प्रदर्शित हुई 2009 साल में, और उसको बहुत सराहा गया, और ऐसा मेरा निर्देशन का और लिखने का दौर शुरू हो गया। और ये जो सोशल मीडिया में जो आपके सोशल कंसर्न्स हैं, जिसको सब लोग जानते हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? एक तो मुझे लगता है कि आज के जो भी माध्यम है, जो सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है, वो एक बहुत डेमोक्रेटिक और सशक्त माध्यम है, ऐसा मैं मानती हूँ, कि अपने विचार रखने का एक बहुत अच्छा एक ज़रिया है। तब तक तो विचार सिर्फ आप या तो टेलीविज़न से जान सकते थे, या आप अगर जर्नलिस्ट पत्रकार हों तो आप लिख सकते थे या जान सकते थे, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास वो एक हक है, अधिकार है कि अपनी टाइमलाइन पे जो भी अपने अंदर है वो आप लिख सकते हैं। और मैंने सिर्फ उस बात का उपयोग किया, हालांकि मैंने बहुत साल से अपने जो भी थॉट्स हैं वो मैं लिखती रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है सोशल मीडिया के ही बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा सतर्कता है, जागरूकता है, और इसलिए लोग आकर्षित भी होते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर कोई बात कर रहा है तो वो कौन सी बात कह रहा है या किस ढंग से कह रहा है, उसके प्रति थोड़ा सा जागरूकता बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल से उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी जो भी बात मैं रखती हूँ उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं या वो उठाई जाती हैं और कई जगह फिर वायरल भी हो जाती हैं। तो ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से सोशल मीडिया का अपनी ज़िंदगी में जो है वो स्थान बढ़ गया है मेरे ख्याल से। अब देखिएगा कि अपनी राय, आपने कहा कि अपनी राय बनाना, अपनी राय तक पहुँचना, ये भी एक थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल, अक्सर लोग इसकी हाँ तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अपनी राय, अपना ओपिनियन बनाने, ये आपने कैसे सीखा, कैसे इवॉल्व हुआ होगा? मुझे लगता है कि स्पष्ट मैं पहले से थी, मेरे जो ओपिनियंस थे वो मैं एक किसी अंदाज से जो ग्रेसफुल हो या पोलाइट हो उस अंदाज से मैं कहने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि हम हर कोई यूनिक होते हैं, और अगर दो इंसान एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारी एक दूसरे के साथ बात मतलब में हाँ मिलाई जाए, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं कि हम एक दूसरे को कोसे और अब्यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि हम सब चूँकि यूनिक हैं, हमारे विचार भी यूनिक ही होंगे, मतभेद भी होंगे, लेकिन एक सही ढंग होना चाहिए अपनी बात रखने का, और मुझे लगता है कि वो कहने का अधिकार हम सबको इस्तेमाल भी करना चाहिए बार बार। तो इसलिए पहले से ही मैं इस बारे में बड़ी स्पष्ट थी और ऑनेस्ट थी अपने ओपिनियंस को लेके। मेरे काम में भी वो ऑनेस्टी मैंने कई बार दिखाई है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके विरोध में किसी और ने पॉइंट ऑफ व्यू रखा हो और मुझे सही ढंग से लगा हो कि नहीं, इसमें भी तथ्य है और मैं उस पर भी सोचना चाहती हूँ, तो ऐसा भी होता है। तो ये जो आदान प्रदान है विचारों का वो चलते रहना चाहिए किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में, किसी भी घर में भी होना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी ये सीख देते हैं कि अगर आपको हमारा कोई भी निर्णय इम्पोजिशन लगे तो आपको अधिकार है क्वेश्चन करने का। तो मैं सोचती हूँ कि हमारा देश भी एक परिवार की तरह है, तो इसमें 100 लोगों की 100 विचारधाराएं होंगी, लेकिन हम सब एक हैं फाइनली, और वो यूनिटी हमको कायम रखनी चाहिए। आपने कहा कि अज़ीज़ मिर्ज़ा ने बहुत शुरुआत में ये पहचाना कि आपके अंदर एक्टिंग की कोई एबिलिटी है, आपके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है। पहचानना एक चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद जब आप काम करना शुरू करती हैं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कुछ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है, वो क्या है? सबसे बड़ी टेररिज़िंग जो बात थी वो इनडिसिप्लिन है। हमारे सेट्स पे काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन होता है। अगर लोग वक्त देते हैं तो उस वक्त के पाबंद नहीं होते, और वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है क्योंकि मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ। आपको शायद आज अनुभव नहीं हुआ हो, लेकिन पर वक्त की पाबंदी मुझे लगता है कि एक कमिटमेंट की बात दिखाती है, और कई बार मुझे इस तरह की जो एटीट्यूड है लोगों की वो खलती थी, तो मुझे उस एटीट्यूड को या मेरी जो डिसिप्लिन है उसकी अहमियत को रखने में थोड़ा वक्त लगा,
लेकिन लोगों को लगा कि इस बात में बहुत तथ्य है कि हमको एक डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए. तो जो भी काम होता है वो जल्दी होता है और ज़्यादा होता है. तो जब टाइम इज़ इक्वल टू मनी हम कहते ही हैं, तो वक्त का सदुपयोग करना चाहिए. ये एक बात. दूसरी बात कि कई ऐसे लोग हैं जो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं. हमारी इंडस्ट्री में तो कई तरह के लोग मिलते हैं, तो उसमें से वो चयन करना कि ये एक अच्छा आदमी है, इनके साथ काम करना अच्छी बात होगी, या यू नो, इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, ये एक औरत के रूप में जानना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए मैंने एक अपने लिए कुछ निर्णय लिए थे कि इस तरह के काम मैं करना चाहूँगी, इस तरह के लोगों के साथ मैं काम करना चाहूँगी, और अगर इसके अलावा कोई काम हमसे मांगा जाए या करने को कहा जाए तो उसको मना करने का हम पूरी तरह से मतलब हक रखते हैं और हमको करना चाहिए, क्योंकि इतना भी ज़मीर को मतलब एक तरफ करके हमको ज़िंदगी नहीं जीनी है. तो ये जो क्लैरिटी है ना, वो अगर अपने अंदर है तो फिर ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं और सरल हो जाती हैं. तो चूँकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, काफ़ी लेट आई इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि 15वें साल में आई हूँ, तो इसलिए वो मैच्योरिटी थी मेरे अंदर और वो फिर मैं कर पाई. हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपने अगर ये निर्णय लिए होते और वो किया होता तो शायद आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती, लेकिन मेरे लिए तो ये ही बहुत ज़्यादा आगे है. मतलब मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि मैं लोकप्रिय बनी और चाही गई इतनी. और फिर आप ये शहाणे कैसे बनी? आपके नाम के आगे जो ये रेणुका शहाणे है, आप शहाणे कैसे बनी? मेरे फादर का सरनेम शहाणे है तो मैं शहाणे लगाती हूँ. मेरी मम्मी ने उनके पिता का नाम हमेशा से रखा गोखले, तो उन्होंने बदला नहीं शहाणे, और मैंने भी राणा नहीं किया, अब शहाणे ही हूँ. और अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को भी कि मेरी एक अपनी पहचान है, उसको बरकरार मुझे रखना चाहिए. मेरे हस्बैंड लकीली उस सोच के मैं कहूँगी कि आदि नहीं है कि जहाँ पर औरतों को डिसरिस्पेक्ट किया जाए या उनके अचीवमेंट्स को कम देखा जाए. तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरा. और अगर ये देखें कि अपने कामों के अलावा जो आपके प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हैं उनके अलावा जब कभी फुर्सत मिलती है तो वो कौन सा ऐसा काम है जिसको करके बहुत शांति मिलती है, बहुत दिल को सुकून मिलता है और लगता है कि हाँ वक्त का कुछ अच्छा इस्तेमाल हुआ? मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है. मैं बहुत पढ़ती हूँ, हर मतलब अगर चिट्ठी पे भी कुछ लिखा हो तो मैं उसको पढ़ती हूँ. मतलब मेरी ऐसी सोच नहीं है कि मैं बड़े बड़े ऑथर्स को ही पढ़ना चाहती हूँ, नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, कुछ भी पढ़ सकती हूँ. हालांकि कभी कभी घर में, चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो बहुत सीरियस किस्म का एक पढ़ना जो होता है वो कई बार नहीं हो पाता. लेकिन दूसरा एक मेरा बहुत अच्छा शौक़ है जो मुझे बहुत शांति देता है, वो है नेचर फोटोग्राफी. मुझे निसर्ग से बहुत प्रेम है. मेरे घर के बाहर बहुत सारे पेड़ हैं जिसपे सुबह सुबह बहुत अलग अलग तरह के पंछी दिखते हैं, तो उनको कई बार मैंने फ़ोटोग्राफ किया है. लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि मुंबई जैसे शहर में आपको बुलबुल कहाँ दिखें और आपको सनबर्ड्स कहाँ दिखें, लेकिन वो मुझे दिखते हैं और मैं फ़ोटोग्राफी करती हूँ. और पढ़ने लिखने ने अगर आपके आपके इंसान को अगर इस तरह से एनरिच किया तो आपके एक्टर को वो कैसे, उसमें क्या एडिशन करता है, उसमें क्या नया जोड़ता क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक ह्यूमैनिटी हैं. इस बात का एहसास अलग संस्कृतियों का जो मतलब जो लेखन है वो पढ़कर एक लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं और हमारा इतिहास एक ही है और कई कई वर्षों पुराना इतिहास है. तो हमको अपने अपने दायरों से थोड़ा सा बाहर देखना चाहिए और अपना विस्तार बढ़ाना चाहिए. तो ये बात मुझे सुकून देती है. एक्टर क्या होता है? एक रिएक्टर होता है. अगर आपका मतलब सामने जो है उस आधार पे आपने जो किया वो सही या गलत होता है एज एन एक्टर. तो जीवन दृष्टि एक जब आपकी बढ़ती है या इंट्रोस्पेक्शन भी बढ़ता है तो आप
कई तरह की माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस कैरेक्टराइजेशन में भी ला सकते हैं, जो शायद अगर आपकी जीवन दृष्टि ब्लैक एंड वाइट है या यू नो सीमित है, तो फिर आपकी कैरेक्टराइजेशन भी उसी तरह से सीमित होंगी, क्योंकि आप उसका दिमागी तौर पे आप समझ ही नहीं पाएंगे उस गहराई को। तो मेरे हिसाब से वो अलग अलग किरदार कितने सारे बड़े बड़े महान लेखकों ने लिखा हुआ है, अलग अलग कल्चर्स से लिखा हुआ है, जो आप जब पढ़ते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम में या अपनी सोच को बदलने में। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे कि वहीं से जहां से हमने बातचीत शुरू की थी कि सुरभि जिस शो की आप को होस्ट थी और आज जो टेलीविज़न होस्ट आपको दिखाई देते हैं, उनमें अगर कहना ही हो कि एक दौर आपका था और एक दौर आज के होस्ट को देखती हैं, तो क्या आपका क्या इस पर टेक होता है? मुझे लगता है कि हमारे ज़माने में हम उस काल में ही थे। मैं सोचती हूँ कि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है एज एंकर्स, लेकिन वो एक समय ही ऐसा था कि जहाँ पर एक जो भी नैसर्गिक चीज़ थी वो पसंद की जाती थी। अब थोड़ा सा उसको अननेचुरल एक टोन देना या कहीं ना कहीं लोगों को उकसाना, तालियां बजवाना, ये जो सारी चीज़ें हैं, और एक टेलीप्रॉम्प्टर होना ये हमारे ज़माने में तो था ही नहीं। हम अपने या तो इम्प्रॉम्प्टू तरीके से हम बोलते थे, तो भाषा के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता था, और या तो हम पढ़ते थे और बाय हार्ट करके बोलते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर से आई हुई बात लगती थी। लेकिन आज के दौर पे चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर है हर जगह, तो वो किसी ने लिखा, आपने पढ़ा भी नहीं, आप वो पढ़ के बता रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फिर भी सामने देख के बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे की तरफ मुड़ भी नहीं रहे, ऐसा कुछ एक अननेचुरल सा दौर है। लेकिन इसको भी करने में मुझे लगता है कि एक कला चाहिए, तो मैं ये उनको खारिज नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि हमको अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव ये एक ही चीज़ है जो कांस्टेंट है, तो उसके साथ जाना चाहिए, एक नदी की तरह सागर की तरफ बढ़ना चाहिए, और ऐसे ही शायद वो दौर फिर से आएगा जब हमारी तरह का एंकरिंग सराहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका शाहने, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब भी मुझे निष्पक्ष खबर चाहिए होती है तो मैं राज्यसभा टीवी देखती हूँ, तो मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया। देख लेती हूँ मैं, ज़रूर देखती हूँ। धन्यवाद। ये थी जानी मानी अदाकारा रेणुका शाहाने। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।